स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीबीसी कॉमर्स क्लासेस पर। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टर्म टू अकाउंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि अभी आपने एडमिशन खत्म किया और वो ताजा ताजा है, तो सिमिलर एडमिशन से सिमिलर ही है रिटायरमेंट। तो हम रिटायरमेंट को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी सा चैप्टर है और इसमें ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट्स वगैरह डिलीट है, पार्टनर का लोन अकाउंट डिलीट है, तो कुछ ही चीजें हमें पढ़नी है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब एक पार्टनर के रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है। पार्टनर के रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई पार्टनर हमें क्या कर रहा है, छोड़ करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे मानता हूं ए बी सी तीन पार्टनर है और ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे और सी क्या कर रहा है, फर्म को छोड़ करके जा रहा है। इसका मतलब सी क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कहेंगे। जो छोड़ करके जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर। और जो बचे हुए होते हैं, ए भी बचे हैं और ये फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फर्म को कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, तो इन्हें हम रिमेनिंग, क्योंकि ये बचे हुए, तो इसे हम रिमेनिंग पार्टनर या फिर हम कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं। क्लियर? अच्छा क्या क्या रीजन हो सकते हैं रिटायरमेंट के? ठीक है, देखो इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, अगर एग्रीमेंट बना, जैसे मान लो ए बी सी तीन लोग पार्टनरशिप में थे और सी जो है, ठीक है, वो 3 साल के लिए पार्टनरशिप में आया था और ये 3 साल क्या हो रहे हैं, उसके खत्म हो रहे हैं। तो जैसे ही उसका टेन्योर खत्म होगा, टाइम पीरियड खत्म होगा, वैसे ही वो क्या कर देगा, फर्म से रिटायर हो जाएगा। तो इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, उस इफेक्ट तक एक एग्रीमेंट बना हुआ था उस टाइम पीरियड तक और वो टाइम पीरियड अब कंप्लीट हो रहा, तो वो क्या कर जाएगा, फर्म से रिटायर कर जाएगा। इफ ऑल द पार्टनर्स गिव कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर अपनी रिटायरमेंट की इच्छा जाहिर करता है कि भाई मैं जाना चाहता हूं, ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, अब यहां पर एक्स जाना चाहता है, उसने अपनी इच्छा जाहिर करी है वाई और जेड से, और वाई और जेड जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सहमत हो जाते हैं कि ठीक है भाई आप जा सकते हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अगर उनसे सहमति मिल जाती है तो फिर ये पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। देन इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, ठीक है, अगर पार्टनरशिप एट विल पे है, मतलब कि देखो दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक एट विल वाली होती है और एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप होती है। एट विल वाली पार्टनरशिप वो होती है जिसमें मतलब ये पार्टनर जो है अपनी इच्छा अनुसार एक साथ आए थे और इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये अपनी इच्छा अनुसार पार्टनरशिप को चालू किए हैं और ये लाइफ टाइम के लिए पार्टनरशिप करते रहेंगे जब तक इनका मन रहेगा। लेकिन अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अदर पार्टनर्स को एक प्रायर नोटिस, मतलब कि पहले एक नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट से पहले, कुछ दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, और उस नोटिस को देने के बाद फिर वो क्या कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप एट विल है, इच्छा अनुसार पार्टनरशिप है और कोई पार्टनर यहां रिटायर होना चाहता है, तो बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, तो वो क्या कर सकता है, रिमेनिंग पार्टनर्स को एक रिटन नोटिस देकर क्या कर सकता है, रिटायर कर सकता है। तो एक प्रायर नोटिस उसे देना ही पड़ेगा। अच्छा, लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, एक रिटायरिंग पार्टनर की क्या लायबिलिटी होती है? देखो, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है, मतलब कि रिटायरमेंट से पहले उसकी क्या लायबिलिटी है, एंड लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, तो इसको हम समझते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मान लेता हूं तीन पार्टनर थे, एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर थे और ये पार्टनरशिप में आए थे 1 अप्रैल 2017 को, इक्वल शेयर के पार्टनर्स है, मतलब 1:1:1 इक्वल शेयर के पार्टनर्स, और कब आए थे, 1 अप्रैल 2017 को ये पार्टनरशिप में एंटर किए थे। अब भाई जेड जो है, ठीक है, ये आफ्टर 3 ईयर, मतलब कि 31 मार्च 2020 को क्या करना चाहता है, रिटायर होना चाहता है। कौन रिटायर होना चाहता है, ठीक है, जेड वॉन्ट्स टू रिटायर, ये यहां पे रिटायर होना चाहता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो 2017 से लेकर के 18, 19, 20 जब तक जेड रिटायर नहीं हो रहा है तब तक तो इसकी लायबिलिटी फर्म के अंदर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, फर्म के अंदर रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ भी इसकी लायबिलिटी रहेगी और जो आउटसाइडर्स है, मतलब थर्ड पार्टी है, अगर किसी से लोन वोन लिया गया है, जैसे मान लो बैंक से लोन लिया गया है, ठीक है, तो बैंक से लोन लिया गया है 10 लाख रुपए का, तो इसमें भी इसकी लायबिलिटी रहेगी जब तक ये रिटायर नहीं करता है। और जब 31 मार्च 2020 को क्या कर जाएगा, रिटायर कर जाएगा,
तो उसके बाद जेड की लायबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ भी इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, आउटसाइडर्स के साथ भी इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लायबिलिटी फॉर द एक्स बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट से पहले क्या होता है भाई कि जब तक ये बिफोर रिटायरमेंट का मतलब है कि जब तक ये रिटायर नहीं करेगा उससे पहले इसकी लायबिलिटी फर्म के अंदर रहेगी ही रहेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी। और लायबिलिटी फॉर द एक्स आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, अगर देखा जाए तो देखो अगर ये जेड मान लेते 31 मार्च 2020 को बिना पब्लिक नोटिस, क्या मैं बोल रहा हूं, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, पब्लिक नोटिस, ठीक है, ध्यान से सुनना, बिना पब्लिक नोटिस अगर दिए हुए ये रिटायर हो गया, ठीक है, तो फिर इसकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर बिना पब्लिक नोटिस दिए ये क्या हो गया 31 मार्च 2020 को रिटायर हो गया और इसने अपने लायबिलिटी का हिस्सा बैंक वाले को चुकता नहीं किया, तो ये बैंक वाला क्या कर सकता है, इस जेड के ऊपर क्लेम कर सकता है, ठीक है, जेड के ऊपर क्या कर सकता है भाई, क्लेम कर सकता है और जेड के ऊपर लीगल रूप से कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, इसे जेल भी भेजा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसने पब्लिक नोटिस नहीं दी है, ठीक है। पब्लिक नोटिस देखो, पब्लिक नोटिस क्या होता है मेनली, पब्लिक मैंने क्या कहा कि कभी भी पार्टनर्स जब रिटायर करना चाहते हैं तो उन्हें एक नोटिस देना चाहिए रिटर्न में, ठीक है, कि हाँ अब हम क्या करना चाहते हैं, फर्म से रिटायर होना चाहते हैं, और उसके बाद उसे एक पब्लिक नोटिस भी देना चाहिए। पब्लिक नोटिस क्या होता है ये आगे आप पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं सिंपली बता दूं, पब्लिक नोटिस क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, इनको प्रोवाइड किया जाता है, यहां बताया जाता है कि हम फर्म से क्या कर रहे हैं, इस वाले फर्म से हम क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, और उसके बाद, ठीक है, न्यूज़पेपर में, ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर और लोकल न्यूज़पेपर दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने रिटायरमेंट की नोटिस देनी पड़ती है, रिटायरमेंट नोटिस न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है दोनों जगह पे, और तब जाकर के जब ये पब्लिक हो जाता है कि हाँ ये पार्टनर इस फर्म का अब और ज्यादा पार्टनर नहीं रहेगा, तब उसके बाद ये हर एक लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, लेकिन अंटिल पब्लिक नोटिस अगर इसने नहीं दिया तो उसके पहले ये क्या रहेगा, इसकी लायबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है। देखो जैसे मान लेता हूं तीन पार्टनर थे ए बी और सी और ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। जब ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे तो फर्म को 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, कितने रुपए का आ रहा था, 1.5 लाख का। अच्छा अगर फर्म को 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था तो ए बी और सी को कितना कितना मिल रहा था, ठीक है, हर किसी को भाई भाई अगर इक्वल है तो ए बी सी को हर किसी को कितना मिलेगा, 50,000 और 50,000 50K, सही बात है, हर किसी को भाई मिलेगा। अच्छा अब मान लेता हूं कि सी फर्म से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, सी क्या हो जाता है फर्म से रिटायर हो जाता है, ठीक है, और अब यही सेम फर्म है और यही 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आया, ठीक है, सिंपली यही प्रॉफिट आया है, तो अब सी के जाने के बाद अगर इस प्रॉफिट को ए भी बांटेंगे इक्वल, ठीक है, अपने बचे हुए उसमें, तो ये कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, अब दोनों को मिलेगा 75K और 75K। देखो सी के जाने से ए और बी का प्रॉफिट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, तो जो पार्टनर अब फर्म के अंदर बचेगा या रहेगा वो क्या करेगा, गेन करेगा, और जो पार्टनर जा रहा है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये अपना हिस्सा जो छोड़ करके जा रहा है वो ए और बी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इनका न्यू रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर न्यू रेशियो फाइंड करना और गेनिंग रेशियो फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद जो पार्टनर जा रहा है वो अपना गुडविल का हिस्सा लेकर के जाएगा, जो भी उसका रिजर्व वगैरह में जो हिस्सा बचा होगा और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई ऐसा प्रॉफिट जो बटा हुआ नहीं है जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, जो पहले के प्रॉफिट है बटे हुए नहीं थे, अब वो जा रहा तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा भी लेकर के जाएगा, तो गुडविल का हिस्सा लेकर के जाएगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। रिजर्व्स में अपना हिस्सा लेकर के जाएगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसमें अपना हिस्सा लेकर के जाएगा, तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। अच्छा एसेट्स और लायबिलिटीज में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी या घटी है, उससे उसको मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है, उसमें भी अपना हिस्सा क्या करेगा ये लेकर के जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद सारा का सारा सभी पार्टनर्स का हिसाब किताब यहां पर होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर जब रिटायर करेगा तो या तो सभी का हिसाब किताब करो या तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बना लो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर बनाया जाएगा। उसके बाद दो चीज और है,
कि हम पार्टनर्स को तुरंत पैसा नहीं देते, तो उसे हम बाद में पैसा देंगे। जैसे मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, अब सी के रिटायरमेंट के टाइम पे सी का पूरा हिसाब किताब जब कर दिया गया ये सारी चीजें, तो सी का पैसा बनता है 20 लाख। ध्यान से सुनना, 20 लाख रुपए बना तो उसको दे दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास या फर्म के पास अभी इतना पैसा नहीं है और हम अभी उसे नहीं दे पा रहे हैं, तो जो भी हिसाब किताब उसका बना है ना, अब उसे मिल जाना चाहिए क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो पैसा है इसको हम उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अब हमारा पार्टनर है नहीं, तो वो उसका कैपिटल तो होगा नहीं फर्म का, क्योंकि वो पार्टनर अगर पैसा लगाता तो फर्म का कैपिटल होता, ये तो अब कोई अदर पर्सन हो गया ना, क्योंकि ये रिटायर हो चुका है, और अगर अदर पर्सन से हमने पैसा ले रखा है, इसका पैसा रख रखा है, तो ये एज अ लोन ट्रीट किया जाएगा, और जब तक हमारे फर्म के अंदर रहता तब तक इस पे 6% का हमें ब्याज देना पड़ता है। लेकिन ये डिलीटेड है इस बार, हमें ये बनाना नहीं सीखना है। और एडजस्टमेंट्स भी ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स भी डिलीटेड है, तो हमें ये सीखना ही नहीं है। तो सिंपली हमें इन टॉपिक्स को सीखना है एकदम, और एक एक करके सभी को हम देखेंगे। तो चलो आज सीखते हैं न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और हमें लगभग क्वेश्चंस में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों ही मिलेंगे। तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो लगभग दिया ही होता है, अगर नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो हमें इक्वल मानना पड़ता है, ठीक है। न्यू रेशियो कभी कभी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो न्यू रेशियो के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ध्यान सुनना कि ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, 2:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, और सी फर्म से रिटायर हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है, बोल रखा है ए बी सी आर पार्टनर्स, सी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपली देखना ध्यान से, जब कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा, बस इतना ही दे रखा होगा कि भाई ये एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, ठीक है, और ये 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं और जेड जा रहा है, तो जो बचे हुए पार्टनर है ना ए और बी, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया होगा, तो जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी, इनका ये जो रेशियो बचा हुआ है ना, यही रेशियो इनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है, यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:2, या फिर आप इसे कह सकते हो 1:1, क्योंकि दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यही इस सिचुएशन में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया होता है, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हमेशा क्या आते हैं, बराबर ही आते हैं, सेम ही आते हैं, बराबर ही आते हैं। तो ये चीज याद रखना नोट में, ठीक है, कि भाई अगर नो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो न्यू रेशियो किसके बराबर होता है, गेनिंग रेशियो के बराबर होता है, कह सकते हो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। जैसे एक केस और ले लेता हूं मैं, ठीक है, मान लेता हूं कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, ये 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, और वाई क्या कर रहा है, फॉर्म से रिटायर कर रहा है। अगर वाई फॉर्म से रिटायर कर रहा है तो एक्स और जेड का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, अब भाई वाई फॉर्म से रिटायर कर रहा है, एक्स और जेड बचे हुए हैं, तो एक्स का हो जाएगा 3 और जेड का कितना हो जाएगा 1, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, और यही क्या हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। देखो मैंने बताया गेनिंग रेशियो तुम चाहो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेट करोगे तब भी सेम ही आएगा, तो टाइम वेस्ट मत करो, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्लियर। तो सिंपल सी बात है यहां पर। अच्छा अब बात करते हैं अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई तो, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई तो इन हम उस सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। कैसे कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो चलो हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेता हूं, ठीक है, मतलब कंडीशन फर्स्ट ले लेते हैं यहां पर, कि ऐसे बोल रखा है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, और बी फॉर्म से क्या हो रहा है भाई, रिटायर हो रहा है। जब बी फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो ये अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसको दे रहा है, ए को दे करके जा रहा है, ठीक है। ए बी सी पार्टनर्स है, बी फॉर्म से रिटायर हो रहा है, और बी रिटायर होते समय अपना सारा का सारा हिस्सा किसे दे रहा है, ए को दे रहा है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखो ए बी और सी, ए का कितना हिस्सा है, 3/6, देखो इनके नीचे ये जो 6 आ रहा है कैसे आता, 3 2 5 और 1 6,
पता ही होगा, ठीक है। तो इनके सबके नीचे 6 लग जाएगा, 2/6 है और सी का कितना है 1/6। अब भाई बी क्या हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ये जा रहा है और ये अपना पूरा हिस्सा किसे दे रहा है, ए को। तो इसका हिस्सा ला करके ए में क्या कर दो भाई, जोड़ दो 2/6, सही बात है। तो अब और सी के साथ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अपना पूरा हिस्सा इसे दे रहा है, तो सी जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 3 और 2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 3 और +2 कितना हो गया, 5/6, और सी का तो दे ही रखा है 1/6, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 5:1, ठीक है। ये न्यू रेशियो हो गया आपके पास, और गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्लियर हो गया। तो न्यू रेशियो आपके पास आ गया, पहले सिचुएशन ये हो गई। अब बात करते हैं और कैसे कैसे सिचुएशन दे सकते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। अब मान लेता हूं कुछ ऐसा दे रखा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, ठीक है, ये सेकेंड सिचुएशन मान लो, इसके अंदर एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, और जेड यहां पर क्या हो रहा है, फर्म को रिटायर कर रहा है, मतलब जेड रिटायर होकर के जा रहा है, और जेड जब फर्म को रिटायर करके जा रहा है तो ठीक है, इसका हिस्सा जो है, जो ये छोड़ करके जा रहा है, वो एक्स और वाई इक्वली क्या कर ले रहे हैं, शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो जेड का हिस्सा है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, एक्स और वाई के द्वारा, लेकिन कैसे लिया जा रहा है, इक्वली लिया जा रहा है। तो देखो एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है भाई, एक्स के शेयर क्या है 3/6, वाई का कितना है 2/6 और जेड का कितना है 1/6, लेकिन जेड फॉर्म से क्या कर रहा है भाई, ये रिटायर कर रहा है, और इसका जो हिस्सा है 1/6 ये एक्स और वाई क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, वो भी कैसे, इक्वली, ठीक है, आधा आधा। तो एक्स जो जेड है, जब कभी भी किसी का आधा शेयर बांटना होता है, इक्वली का मतलब होता है 1:1, तो 1:1 कितना हो गया 2, तो मतलब कि 1/6 का आधा कितना होता है, 1/6 का आधा हो गया 1/12, इसका मतलब क्या हो गया, 1/12 ले लेगा एक्स और 1/12 भी ले लेगा वाई, क्योंकि आधा आधा ले रहे हैं, तो 1/6 का हाफ कितना हो जाएगा 1/12, तो इनमें हम ऐड कर देंगे, यहां पर हम इनका एलसीएम भी लेते हैं, 6 2 = 12, 2 3 = 6 और +1 कितना हो गया 7/12, और यहां पर हो गया आपके पास 12, 6 2 = 12, 2 2 = 4 +1 5/12, क्लियर। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 7:5, यहां पे आपके पास न्यू रेशियो कितना हो गया एक्स और वाई का 7:5, ठीक है। तो कभी भी जब कभी कोई पार्टनर जाएगा और ऐसा बोलेगा कि उसका शेयर जो बचे हुए पार्टनर से वो इक्वली लेंगे, तो इक्वल लेने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका आधा आधा निकाल लेंगे, आधा जिसको वो दे रहा है भाई, आधा ये ले रहा है तो इसमें प्लस कर दिया, आधा ये ले रहा है तो इसमें प्लस कर दिया, क्लियर है। अच्छा एक और सिचुएशन में ऐसे दे सकता है, जैसे मान लेता हूं सेम क्वेश्चन है, एम एन और ओ पार्टनर्स है, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ओ क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, ठीक है। अच्छा जो ओ का शेयर है वो एम और एन 3:2 अब मान लेता हूं कि 2:1 में क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, एम और एन 2:1 में क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। तो देखो यहां पर एम और एन ओ का हिस्सा कितना, एम का है 3/6, एन का है 2/6 और ओ का है 1/6। अब ओ का जो हिस्सा है वो एम ले रहा है, मतलब कि दो हिस्सा, और एन ले रहा है एक हिस्सा। तो देखो 1/6 का पहले हम देख लेते हैं कि 1/6 का, ठीक है, 2/3, क्योंकि यहां पे 2 1 3 हो जाएगा तो 2/3 लेगा m, तो 2/3 होता कितना है, तो ये होता है 2/18, क्लियर है। तो ये कौन ले लेगा 2/18, ये ले लेगा m, और 1/6 का 1/3 हिस्सा कितना होता है, इसको देख लो आप, यहां पर 1/6 का 1/3 हिस्सा होता है 1/18, तो ये कौन ले लेगा, n। तो अब इनका न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो, क्लियर है। तो यहां पे आप एलसीएम ले लो, 6 3 = 18, 3 3 = 9 +2, यहां पे आ जाएगा 11/18, और यहां पे आ जाएगा 18 6 3 = 18, 3 2 = 6 और +1, मतलब कि 7/18। तो m और n का जो न्यू रेशियो हो गया वो हो गया है 11:7, क्लियर है यहां पर, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट सिचुएशन बन गया। तो ऐसे और भी सिचुएशन बना सकते हैं, इनके अलावा एक और चीज बोलता हूं जो आपको समझना है। यहां देखो एक और चीज है आपके पास, जैसे मान लेता हूं जे के एल तीन पार्टनर्स थे, जे के और एल तीन पार्टनर्स थे, और ये क्या कर रहे हैं, 3:2
ठीक है, इसका जो जे का हिस्सा है ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 1/8, इसका दे रखा है 1/2 और इसका दे रखा है 1/4। अब बोल रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है भाई, एल रिटायर करके जा रहा है, क्या करके जा रहा है भाई, एल रिटायर करके जा रहा है और जो एल का हिस्सा है वो जे और के क्या कर रहे हैं, जो एल है अपना पूरा का पूरा हिस्सा के को दे करके जा रहा है। किसको दे करके जा रहे हैं, मान लेता हूं के को, ठीक है, सिंपल सिनेरियो लेते हैं। देखो यहां पर क्या है, जब आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है इसके अंदर डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, जे का है 8, के का है 2 और एल का है 4। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सभी का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो हम सबसे बड़े वाले डिनोमिनेटर को पकड़ लेते हैं, यहां पर 8 है तो इसको भी 8, अगर इसको 2 को 8 करना है तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होता है कि वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर आपको 8 बनाना है 4 को तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया 1/8, 4 1 4 4 2 8 4/8 और यहां पर आ गया 2/8। तो j का हो गया 1/8, k का हो गया 4/8 और l का हो गया 2/8। अब l जो है वो रिटायर हो रहा है और अपना पूरा हिस्सा किसे दे रहा है, k को दे दे रहा है। तो अब ये जो भाई j का तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन k में क्या हो जाएगा, l का ये हिस्सा आकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो k का हिस्सा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6/8। तो 1/8 और 6/8 मतलब 1:6, न्यू रेशियो क्या हो गया 1:6, क्लियर है। तो ये आपके पास सिनेरियो आ सकता है ऐसा, डिनोमिनेटर जहां पे डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, तो डिनोमिनेटर हमें सबसे पहले क्या कर लेना होता है, इक्विवेलेंट कर लेना होता है, बराबर कर लेना होता है। तो इस सिचुएशन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं कहोगे, बस आप सिचुएशंस को समझो और उसके हिसाब से आप खुद मॉडिफाई होकर के क्या करो, उनको एड ऑन कर दो, ठीक है। जहां से जाना चाहिए वहां से हटा दो, जहां जोड़ना चाहिए वहां जोड़ दो। जैसे मान लेता हूं एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, ये 4:3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, वाई यहां पे रिटायर हो रहा है, मान लेता हूं क्या हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है और वाई कहता है कि वाई सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। वाई जो है वो अपने हिस्से का 1/9 भाग किसको दे देता है, एक्स को, ठीक है, एंड रिमेनिंग टू जेड, और जो बचा हुआ है वो किसको दे देता है, जेड को दे देता है। तो वाई का हिस्सा है कितना, देखो यहां पर 4:3:7 और 2:9, तो 3/9 है वाई का, ठीक है, y का जो शेयर है 3/9 है और इसमें से 1/9, ठीक है, 1/9 ऑफ हिज शेयर, देखो वर्ड लिखा हुआ है ऑफ मतलब अपने हिस्से का, और जब भी कभी ऑफ दिया अपने हिस्से का जब निकालना होता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे निकालते हैं कि अपने हिस्से का इतना बहुत कितना होगा भाई, तो ये होगा, ठीक है, 3/9 = 81, ठीक है, 3/81, तो 3/81 होगा। तो y जो है ये इतना हिस्सा जो है, ठीक है, किसको दे रहा है, x को, ठीक है, तो y सरेंडर दिस ईयर 2x, ये इतना दे देता है x को, ठीक है, एंड और फिर बोला जा रहा है कि रिमेनिंग शेयर किसको देता है, वो z को, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ y, ठीक है, गिवन टू z, कितना दिया जाएगा, रिमेनिंग शेयर जो भी y होगा वो किसको दिया जाएगा, z को, तो y के पास था 3/9, अब 3/9 में से 3/81 तो किसको दे दिया उसने, x को दे दिया, तो बचा कितना, 3/9 में से 3/81 अगर x को दे दिया तो बचा हुआ है, तो उसको माइनस कर दो भाई, बचा हुआ कितना है, तो यहां पर LCM ले लिया 81, 9 9 = 81, 9 3 = 27, माइनस यहां आ जाएगा 3, ठीक है, तो 27 में से 3 लिया, 24/81, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब x को दे रहा है 3/81 और z को दे रहा है 24/81। तो चलो यहां पर देख लेते हैं कि इनका न्यू रेशियो क्या आएगा, तो x का न्यू रेशियो हो जाएगा, ऑलरेडी इसके पास था 4/9 और कितना मिल रहा है इससे, 3/81 मिल रहा है, और यहां पर अगर देखा जाए जेड का कितना हो जाएगा, जेड्स न्यू रेशियो, जेड का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, इसके बाद ऑलरेडी था 2/9 और कितना मिल रहा है इसे, 24/81,
ठीक है। अच्छा यहां पर देख लो, निकाल लेते इसका 81, 99 जा 81, 94 जा 36 प्लस 3, तो इसका हो गया 39 बाई 81, और यहां पर हो गया 81, 9, 9 जा 81, 92 जा 18 एंड देन उसके बाद प्लस 24, एंड 24 प्लस 18 कितना हो गया यहां पर 34, और 642 बाई 81, तो न्यू रेशियो हो गया एक्स और जेड का 39:42। ठीक है, अगर ये चाहो तो 3 से आपका कट भी जाएगा 13, और ये हो जाएगा 14, 13:14। क्लियर है? तो आपके पास सिचुएशन चाहे जैसी दे दे, चाहे जितनी डिफिकल्ट बना दे, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई हो जाना। न्यू रेशियो अब आपके पास ये आ गया है, और न्यू रेशियो से आप क्या निकालोगे? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो आपके पास ये रहा और ओल्ड रेशियो आपके पास से दिया गया ही है, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अपने आप ही आपका क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो अच्छा इसको देख लेते हैं एक बार कि माइनस कैसे करना होता है निकालने के लिए। देखो यहां पर जैसे मान लो इसी का हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, तो यहां पर कितना है भाई? न्यू रेशियो एक्स का दे लेते हैं। ठीक है, एक्स का न्यू रेशियो है 13 बाई 13 एंड 14, कितना हो गया प्लस करोगे तो 13 और 10 23 और 4 27, 13 बाई 27 माइनस ओल्ड रेशियो इसका कितना 4 बाई 9, और जेड का निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा भाई? जेड का हो जाएगा यहां पर 14 बाई 27 है, और माइनस करेंगे 2 बाई 9, और यहां पर कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम लोगे 27, 13 माइनस 9 3 जा 3 4 जा 12, तो 1 बाई 27, और यहां पे अगर करोगे तो 27 आएगा, और 14 माइनस 9 3 जा 3 2 जा 6, तो 8 बाई 27। तो जो गेनिंग रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 1:8। क्लियर हो गया? तो गेनिंग रेशियो जो इनके बीच में आ रहा है कितना आ रहा है? 1:8। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? न्यू रेशियो के डिफरेंट कंडीशंस इन तरीके से आ सकते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं आने वाला है, और इस तरीके से आप गेनिंग रेशियो फाइंड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और तब तक के लिए बाय।